ठंडा के दिन जनवरी के महीना और यह महीना के खासियत बढ़ुए कि महीना में एगो तारीख आवेला जना के कहल जाला 14 तारीख, उ तारीख के मकर संक्रांति मनावल जाला और मकर संक्रांति दही और चूड़ा खाती प्रसिद्ध बढ़ुए। एकरा साथे साथे ये दही चूड़ा के नाम आवते एक आदमी से और प्रसिद्ध बढ़ुए, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। बिहार में दही चूड़ा के परंपरा और लोग के भोज करावे के शुरुआत लालू प्रसाद कैले रहन, जो काफ़ी संख्या में लोग उनका कहें दही चूड़ा खाए आवत रहे और यहाँ तक ले कि उ दही के टीका लगा के राजनीति में केहू के पद प्रतिष्ठा दियावे के भी काम शुरू कैले वाले। नीतीश कुमार जी याद हुई है ना, मुख्यमंत्री खातिर उनका के दही के टीका लगौले रहन जब वो NDA से छंट के आई रहन। एक बार फिर से दही चूड़ा के नाम से और दही चूड़ा के लेके लालू प्रसाद यादव सुर्खी में बढ़ल। नमस्कार, स्वागत बर बोलो के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जब जब दही चूड़ा के नाम आवेला तो सीधे सीधे लालू प्रसाद के नाम जरूर आ जाला और लालू प्रसाद के समर्थक जोन बाड़े उनका के दिलो जान से चाहे वाला लोग बा उ दही चूड़ा के भरमार उनका के यहाँ कह देवेला। सरकारी दुकान से ना दही खरीदाला दही खाती, हालांकि रुआ मालूम हुई कि यादव जी लोग दही चूड़ा आ दही खाती दूध खाती वो लोग प्रसिद्ध बढ़ुए। लालू प्रसाद के यहाँ बड़का बड़का हड़िया में भर भर के दही पहुँचेला, एकदम खांटी दही और कतरनी भागलपुरी चूड़ा प्रसिद्ध बढ़ुए। अब की आली लालू प्रसाद पटना में नहीं खन, उ बाड़न रांची में। चारा घोटाला में उनका सजा भइल बढ़ुए, अस्वस्थता के वजह से वो रिम्स में भर्ती बाड़न, ओइजे उनकर दरबार भी लागत हुए शनिवार के शनिवार। अब की के दही चूड़ा उनका के खाए के हालांकि डॉक्टर के मना ही रहे, लेकिन एक दिन खाए खातिर उनका इजाज़त मिल गई बढ़ुए और ई बात उनका समर्थक लोग खातिर खुशी के बढ़ुए। हालांकि बहुत लोग तो ओजा उनका साथे ना जुड़ सकेला, लेकिन दही चूड़ा उनका के पहुँचावे खातिर बिहार में होड़ लागल बढ़ुए। लगातार दही चूड़ा पहुँचावे वाला के संख्या और दही चूड़ा जमा के बढ़िया बढ़िया सजाओ दही जमावे वाला लोग उनका के लगातार जमा के पहुँचावे खातिर तैयार बढ़ुए। दही चूड़ा और राजनीति के बहुत बड़ा संबंध रहल बढ़ुए। रुआ याद हुई कि महागठबंधन और NDA दोनों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला वही दही चूड़ा पर आके टिकल बढ़ुए। लगातार ही बात होते रुआ कि संक्रांत के बाद दही चूड़ा के जैसे त्यौहार मना लिया ही, ओकरा बाद से सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय हुई कि केकरा कहाँ कहाँ से लड़े के बढ़ुए और महागठबंधन में खास करके केकरा कितना सीट मिली यह बात के तय तमन्ना हो जाए। एकरा साथे साथे अब की आली के दही चूड़ा राजद के परिवार के लोग बिना लालू प्रसाद के मनाई। रुआ यो याद हुई कि लालू प्रसाद 2014 के बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म भइल और विधानसभा बिहार विधानसभा के चुनाव के बिगुल फुकाइल तो वो महागठबंधन बनौले और महागठबंधन में नीतीश कुमार के यही दही चूड़ा के दिन दही के टीका लगा के मुख्यमंत्री खाती उनका के घोषित कर दिल रहन कि हमनी के सरकार जब बनी तो मुख्यमंत्री उहे हुई हैं। ये सब बात के लेके अब इंतजार हो रहा बढ़ुए कि लालू प्रसाद के रांची रिम्स में के दही पहुँचा रहा बढ़ुए और कितना संख्या में दही चूड़ा हो जाए। दही चूड़ा के साथ साथ अब लालू प्रसाद आगे के रणनीति और केकरा केकरा का आशीर्वाद दी हैं आवे वाला 2019 के चुनाव में लोकसभा में 40 गो कौन ऐसा धुरंधर हुई हैं योद्धा हुई हैं जौन लालू प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद महागठबंधन के टिकट के हकदार हुई हैं दावेदार हुई हैं, चूँकि फैसला लालू प्रसाद के ही करे के बढ़ुए और उ दही के टीका लगा के ही करी हैं। का नीतीश कुमार के तरह ही उ 40 आदमी जरा के दही के टीका लगे हैं लालू प्रसाद वो विजेता हुई हैं, अपना विरोधी के हरा के वो लोकसभा में जई हैं। इंतजार रहो करी, हमनियों के इंतजार करते हैं जा कि कौन धुरंधर 40 गो होता रहे, महागठबंधन रहता कि संक्रांत के बाद महागठबंधन में विखंडन भी होते रुए। चूँकि बहुत तरह के बात यह बीच में आ रहा बढ़ुए, केहू खुश बा केहू नाराज बढ़ुए, केहू कुछ कहता केहू कुछ कहता, केहू नईखे सेहू कहता कि हम आ रहा बनी और जे बा वो कहता कि हम संतुष्ट बनी।
केहू कहता नहीं संतुष्ट। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला जौन बा 14 तारीख के बाद तय हो जाए और दही के टीका से ही हुई। तो देखी रांची रिम्स में का फैसला सकरात के बाद दही के टीका लगा के लालू प्रसाद करत रहे। फिर कोनो खबर लेके हाजिर होकर तब तक खाती बोर लगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।